हेलो गाइस, सीईटी का डेट इज़ फर्दर एक्सटेंडेड। ये अभी एक और नोटिस आ गया है, तो जिसको अभी तक नई आइडिया आया कि तारीख पे तारीख क्या होती है, आज आपको पता लग गया। दिस इज़ द थर्ड नोटिस अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ द डेट। अभी इसको ना गॉड की गिफ्ट मानो और चुपचाप अपने आपको रूम में लॉक लगा लो। गो थ्रू ऑल द सीईटी सीमेट महायज्ञ वीडियोस, जितने भी हमारे अभी तक जी स्टडी हो चुके हैं, जितनी भी बाकी है, सारा एक बार दोबारा कर लो एंड कीप गिविंग द मॉक्स, बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दो हफ्ता लेट, ज़्यादा लेट नहीं होगा, होगा भी तो दो हफ्ता लेट होगा। दिस इज द टाइम वी कैन इंक्रीज अवर स्कोर बाय 10 मार्क्स। रोज का एक नंबर इंप्रूव करना ही करना है, दैट शुड बी योर टारगेट। तो भी मॉक देते जाओ एंड रिवाइज करते जाओ, और अपने के पास कुछ करने को नहीं है, ठीक है भाई। प्लीज़ टेक इट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज स्कोर। इन केस यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन जस्ट कॉल और व्हाट्सएप नंबर इन द नंबर गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फाइन, तो अभी 11 तारीख का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, ठीक है। नाउ ये बिकॉज आर नॉट एबल टू कम्प्लीट द बैक एंड एक्टिविटीज़ के पेपर सेट नहीं हो पाया, 18 को नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से हो रहा है। अदरवाइज ऑन देयर वेबसाइट इन दिस नोटिस दे हैव गिवन अ डिफरेंट स्टोरी एट ऑल टुगेदर। या मुझे जो लग रहा है कि अभी शायद एग्ज़ाम टाइम पे होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। मुझे नहीं लगता अभी एग्ज़ाम टाइम पे हो पाएगा, ठीक है। इट्स ऑल इन द लिम्बो बिकॉज अभी 11 तारीख को फॉर्म ख़त्म होगा और 3-4 दिन में वो लोग एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे। 3-4 दिन में एग्ज़ाम करना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड देर इज़ नो फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम सीईटी सेल एज वेल। एग्ज़ाम का डेट 18 मार्च ही है, उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। उन्होंने न्यूज़पेपर के थ्रू नोटिस दिया था और इंफॉर्मेशन दिया था, बट दैट वाज अगेन अ टेंटेटिव डेट, वो लास्ट डेट था, इसके लिए वो नोटिस आया होगा मेरे को जो लग रहा अभी। तो वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच फॉर एवरीथिंग। ये जो भी नोटिस में कहा गया कि देखो भाई, हम तो टाइम पे चाहते थे बट कुछ लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए हमने एक्सटेंड किया है, बिकॉज नॉट मैनी पीपल कुड फिल द फॉर्म, वी आर एक्सटेंडिंग द डेट, ठीक है। लोगों ने फॉर्म भरा था लेकिन पे नहीं कर पाए, तो उनको ये भी समझाओ कि भाई जिसको पे करना था वो पे कर चुका है, जिसको नहीं पे करना था मतलब कोई फॉर्म में गड़बड़ होगी, उसने भी पेमेंट नहीं किया एंड वी माइट हैव फिल्ड द फॉर्म अगेन, ठीक है। अदर रीज़न कैन बी कि इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं ओनली 86,000, तो उनको वो भी एक शॉक लगाओगे यार, सीधा 160,000 से 80,000 पे आ गया, कुछ तो झोल हो रहा है, ठीक है। तो मे बी दे अंडरस्टैंड कि गलती उनकी एंड से भी हो रही है, जो भी हो रहा है, सो टू जस्ट वेट एंड वॉच नाउ। सो एज ऑफ नाउ द स्टेटस रिमेन सेम, द सीईटी इज डिलेड, एग्जाम विल बी डिलेड मोस्टली, येस नाउ आई बिलीव इट विल बी डिलेड, ठीक है। मेरे को बच्चों ने बोला आप सर स्टेटमेंट चेंज करते रहे, तो कभी बोलते टाइम पे हो, कभी आप बोलते डिले हो गया। भैया मैं कुछ नहीं कर रहा, सीईटी सेल वाला जो करवा रहा है, दे पुट द नोटिस, दे चेंज द थिंग्स ओवर नाइट। सो दिस इज द स्टेटस एज ऑफ नाउ। आधे घंटे में स्टेटस कुछ और हो जाएगा, वी कांट सी। ऑल द बेस्ट, एज ऑफ नाउ सीईटी स्टैंड्स।